हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने जो मेकअप लुक क्रिएट किया है वो मैंने एक इंस्पायर्ड होके, फिर भी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे इंस्पायर्ड होके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। वो बहुत ही अच्छे अच्छे मेकअप लुक क्रिएट करती हैं। तो ये है साइड इल्यूजन फेस मेकअप लुक। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है NYB का ये प्राइमर। कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है प्राइमर अप्लाई करना। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ही अमाउंट लिया है और आज का मेकअप जो है वो मैं हाफ फेस पे ही करने वाली हूँ। तो सारा सब कुछ मैं सिर्फ हाफ फेस पे ही अप्लाई करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं प्राइमर अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। और जब भी आप कोई मेकअप का स्टेप करते हैं तो उसके बाद 5 मिनट आप रेस्ट दें ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। तो देखिए, जिस साइड नहीं लगाया था प्राइमर उस टाइप जो है आपको थोड़ा ऑयली और शाइनी भी दिख रहा होगा, और दूसरे साइड जो है बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा टेक्स्चर हो जाता है फेस का। फिर मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई किया है। आप कोई सा भी फाउंडेशन ले सकते हैं। तो फाउंडेशन को भी मैं हाफ फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ। फाउंडेशन से जो भी मेरे डार्क सर्कल्स हैं थोड़े बहुत, वो हाइड नहीं हुए थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंसीलर उन एरियाज में अप्लाई कर रही हूँ जहाँ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज चाहिए। तो फिर से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लेके और कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लूज पाउडर लेके और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ इस तरह से पैट कर दूँगी। मैं थोड़ा सा बेकिंग करूँगी ताकि जो भी फेस को सोक करना है वो पाउडर जो है वो सोक कर ले। और उसके 3-4 मिनट छोड़ने के बाद इस तरह से मैं एक ब्रश के हेल्प से बाकी जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसे डस्ट ऑफ कर दूँगी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे साइड से अपने फेस को ब्रॉन्जिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग आपके फेस के फीचर्स को शार्प दिखाता है, ब्रॉन्जिंग आपके ओवरऑल जो फेस है उसमें एक डेप्थ देता है। तो यहाँ मैंने ब्रॉन्जिंग की है और इस तरह से साइड में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इससे आपका फेस में बहुत ज़्यादा फोकस लगता है कि जहाँ जहाँ ब्राइटनेस चाहिए वो दिखेगी आपको। ओके, तो अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक ब्राउन शेड लेके अपने आउटर वी और क्रीज पे अप्लाई कर लिया है। बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप है। उसके बाद एक शैम्पेन शेड लेके और शिमरी शैम्पेन शेड लेके अपने आईलिड पे फिंगर के हेल्प से ही अप्लाई कर लूँगी। कुछ कुछ कलर्स होते हैं ना, वो आपके फिंगर्स उसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद फिर सेम जिससे मैंने क्रीज में अप्लाई किया था कलर, उससे दोनों कलर को ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पे मैं एक ब्लैक आईलाइनर लेके एक पिंक लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। जो ब्राउन कलर मैंने क्रीज में अप्लाई किया था सेम ब्राउन कलर से मैं अपने लोअर लैश लाइन में इस तरह से स्मच कर लूँगी। मैंने कोई काजल यहाँ पे यूज़ नहीं किया। उसके बाद मैं ये आई लैश कलर लेके अपने लैसेस को कर्ल करके और उस पर ये मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। अब मैंने एक ब्लश लेके अपने चीक्स पे अप्लाई कर लिया है। देख रहे हैं आप, हाफ फेस पे मेकअप और हाफ पे नहीं है, कितना अजीब लग रहा है। और एक हाइलाइटर लेके मैं अपने चीक बोन को हाईलाइट कर लूँगी, हल्का सा नोज़ को भी, ब्राउ बोन और आइज़ के इनर कॉर्नर, वो तो कभी मत भूलना आप भी।
इससे बहुत अच्छे आई का शेप मिल जाता है। और मैं एक पिंकिश न्यूड लिपस्टिक लेके अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँ। यहाँ मैं हाफ लिप्स पे थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर लूँ ताकि मैं बाद में जब फेस कट करूँगी तो लिपस्टिक मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत न पड़े। हाफ फेस पे मेकअप डन है, हाफ बेयर फेस है। तो ओके, अब मैं यहाँ पे कलर एसेंस का ये काजल है उससे अपने फेस को पहले शेप में कट कर लूँगी, इस तरह से स्केच कर लूँगी पहले। ओके, तो अब मैं सेंटर से फेस को शेप दे रही हूँ। अब मैंने ये एसेंस का काजल लिया है और इससे अपने हाफ फेस को अच्छे से पूरी तरह फिल कर लूँगी। ओके, तो मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश पे कंसीलर को लेके और इस तरह से एजेस को थोड़ा शार्प कर ले रही हूँ ताकि बहुत नीट और क्लीन दिखे। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके और इस तरह से फेस के साइड्स पे इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि वहाँ एक डेप्थ दिखे फेस का। ये हाफ फेस जो है वो मैंने पेंट कर लिया है और हाफ फेस पे देखिए साइड इल्यूजन वाला आपको नज़र आ रहा है या नहीं, और ये मेकअप मैं ठीक से कर पाई हूँ कि नहीं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, फिर भी मेकअप आर्टिस्ट, उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो ज़रूर बताइए कि मैं ये मेकअप लुक कितना कर पाई हूँ और आप लोग को ये मेकअप लुक पसंद आया कि नहीं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है आपको पता ही है, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और ओके गाइस, तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।